जयदीप आर्य जी, हरियाणा योगा बोर्ड के चेयरमैन और मुख्यमंत्री की कौन सी करनाल के रहने वाले हैं और आज हांसी के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रयास हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि योगा कंपटीशन स्टेट लेवल का जो हांसी के गवर्नमेंट कॉलेज में किया गया, क्या इस प्रयास को प्रयासरत रखा जाएगा या कुछ ही टाइम के लिए इसको किया गया? और आप यहाँ पहुँचने पर आपको कैसा लगा? पूरे स्टेट में सभी जिलों से लगभग टीमें आई हुई थी, लगभग 60 के लगभग टीमें थी। आज तीसरा दिन है समापन पर आप आए हो, तो कैसा आपको लगा? सर्वप्रथम तो मैं राजकीय महाविद्यालय हांसी को इस सुंदर आयोजन के लिए और एक सफल आयोजन के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कोई भी कार्य 3 दिवसीय उस कार्यक्रम के आयोजन को करना, उसके लिए एक टीम वर्क की एक महत् आवश्यकता लगती है और कई दिनों के पुरुषार्थ के बाद ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। इस कार्यक्रम में जितने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे प्रिंसिपल सविता जी के सहयोगी स्टाफ के सदस्य रहे, योग के कोच रहे, उन सब का मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हिसार अपने आप में कई मायनों में विद्या के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र है। उस सब के बीच में पूरे हरियाणा से ये जो 50 से अधिक टीमों ने भागीदारी की इस कार्यक्रम में, मैं उसका साक्षी रहा हूँ। बहुत हार्ड कंपटीशन था, बच्चों में एक योग के प्रति एक जागरूकता है, योग को बच्चे अपने कंपटीशन के लिए अपने जीवन में एक पद्धति के रूप में भी अपना रहे हैं। मैं आज हांसी की आवाज़ नामक आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को, हरियाणा के लोगों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को योग में जोड़ें। आने वाला समय योग का समय है। भारत आज पूरे विश्व पटल पर योग को प्रचारित प्रसारित करने का तो काम कर ही रहा है। हरियाणा योग परिषद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में योग को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। हमने योग में 5 आयामों पर अधिक कार्य करना शुरू किया है। योग का शिक्षा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, उसमें जहाँ जहाँ पर नियुक्तियाँ होनी हैं, जहाँ सिलेबस आरंभ होना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर वो सिलेबस आगे बढ़े। दूसरा आयाम था कि योग चिकित्सा का अंग बन पाए। हम हर मेडिकल कॉलेज PGI रोहतक के साथ मिलकर इसको एक आयुष डिपार्टमेंट हर PGI में भी हो, उसकी प्रक्रिया भी हमने आरंभ की है। मुझे लगता है उस पर भी आपको जल्दी कुछ प्रक्रियाएं मिलेंगी। योग एक स्पोर्ट्स के रूप में आगे आए, खेल का एक अंग बने, तो शिक्षा, चिकित्सा और खेल, ये 3 जो बिंदु हैं इनमें फोकस किया है सरकार। हरियाणा सरकार ने पहली बार पिछले 3 वर्षों में लगातार नगद पुरस्कार देकर 25,000 का, 15,000 का, 10,000 का जो पुरस्कार प्रथम आने वाली टीमों को देकर एक प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। पहली बार किसी सरकार ने सोचा कि योग को भी कंपिटिटिव के रूप में खड़ा किया जाए। इंटर कॉलेज हुए हैं, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, इसके माध्यम से खेल के रूप में आगे बढ़ा। मेरे सामने एक विषय आया कि अभी ग्रेडेशन नहीं हो पाती है, इन बच्चों को कोई सर्टिफिकेट में ग्रेड नहीं मिलता, उनका वैल्यू नहीं हो पाता, तो उनके वैल्यू एडिशन के लिए मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और खेल मंत्री आलमी अनुवीर जी से बात करूंगा और ये कार्य होगा, मुझे ऐसी पूरा विश्वास है। हरियाणा सरकार ने आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक दायित्व दिया जिसमें काफ़ी से चेयरमैन लगभग हरियाणा सरकार ने बनाए, इनमें सबसे मुख्य जो आपको योग का चेयरमैन बनाया गया, इसमें आपने कहा भी शिक्षा, आयुष और रोजगार, क्योंकि योग को हम रोजगार के रूप में, आयुष में हम चिकित्सा के रूप में, पढ़ाने में शिक्षा के रूप में, तो आपका इसमें कितना योगदान रहेगा? हम चाहेंगे कि इसको आप पहले भी आप बाबा रामदेव जी के साथ स्वदेशी आंदोलन में पूरे भारत में आपने भ्रमण किया, तो इसके लिए आप हरियाणा के प्रत्येक कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक कॉलेज में इसको करने का काम करोगे, इस योग को बढ़ाने का काम करोगे या प्रथम में इसको स्टेट लेवल पे आप इसको ले जाने का काम करोगे? देखिए, अभी तो पतंजलि योगपीठ की ओर से आम व्यक्ति तक योग पहुंचाने का कार्य निःशुल्क रूप से हो रहा है।
3,700 से अधिक हमारी निःशुल्क योग कक्षाएँ चल रही हैं। ऐसी और भी संस्थाएँ आर्ट अकेडमी, ईशा, भारतीय योग संस्थान, ये संस्थाएँ सेवा का काम कर रही हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से दिया जाना है, उसमें बड़े स्तर पर भी कार्य की आवश्यकता हमें अनुभव हुई है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक हम रोड मैप तैयार करके आपके साथ फिर बात करेंगे। और एक बड़ा प्रकल्प हमने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो योग और आयुर्वेद के हरियाणा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके मार्गदर्शन में हरियाणा ने प्रयास किया और आज हरियाणा में योग और व्यायाम शालाएं 1000 उनका स्वीकृति हो चुकी है और उस पर कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि कमोवेश बड़े स्तर पर हम नौकरियों में भी योग को साथ जोड़ेंगे और जीवन में योग को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये एक बड़ा प्रकल्प हमने हल्का लाडवा, जो थानेसर के पास हल्का लाडवा, जिसके विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी हैं, वहाँ की योग कक्षाएं मैं देख चुका हूँ। क्या आपने कभी उनका भ्रमण किया? ऐसा मैं योगशाला, व्यायामशालाएं उन्होंने हर हल्के में, हर गांव में खोली है। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ, अभी 454 व्यायामशालाएं हैं और अभी वो कार्य शिक्षा विभाग देख रहा, खेल विभाग देख रहा ना, खेल विभाग ही लिख रहा है उसको बनाने का कार्य विकास, पंचायत विकास विभाग कर रहा है, पंचायत विभाग कर रहा है और उसको योग की शिक्षा देने का कार्य हमारे खेल विभाग कर रहा है। अभी उनके पास है वो विषय, जब मेरे पास आएगा निश्चित रूप से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।